गुड आफ्टरनून, वेलकम टू प्रेपराइज ऑनलाइन लाइव क्लासेस। आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो जल्द से जल्द क्लास के साथ जुड़िए ताकि हम अपना सेशन जो है वो शुरू कर सकें। अ वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार टू दिस सेशन और वेलकम टू प्रेपराइज चैनल। आपका इस चैनल पे हम स्वागत करते हैं। तो जल्द से जल्द क्लास के साथ जुड़िए ताकि हम अपना सेशन शुरू कर सकें और फटाफट ख़त्म भी कर सकें जल्द से जल्द। और हाँ स्टूडेंट्स, आप ही की रिक्वेस्ट पे एक चीज़ हुई है कि जो आपका ये रिपब्लिक डे ऑफर चल रही थी, इसको फॉर अ टाइम बीइंग फॉर द सजेशंस, कई स्टूडेंट्स की डिमांड्स आई हैं उसकी वजह से इस ऑफर को एक्सटेंड कर दिया गया। तो जितने भी JOIT के कैंडिडेट्स हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने JOIT का कोर्स लेना है, कुछ भी लेना है, वो इस ऑफर पर जाइए और क्लिक कीजिए India 60 एंड गेट दिस ऑफर। मतलब आपको रिपब्लिक डे ऑफर जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है और इस एक्सटेंशन के बाद आपको जो भी कंटेंट लेना है, आप ही की फरमाइश पे, यानी आप ही के कुछ कैंडिडेट्स की टेलीफोनिक कॉल्स की वजह से जो है इस ऑफर को एक्सटेंड किया गया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस जिस के पास जो जो कंटेंट लेना है वो आराम से ले सकते हैं, चाहे वो JOIT का है, चाहे वो आपके 1500 क्वेश्चंस है, एनीथिंग यू वॉन्ट टू बाय, गो टू दैट रिपब्लिक डे ऑफर एंड गेट दिस ऑफर कन्वीनियंटली, ठीक है। एंड हाँ, मुझे दो तीन मैंने मेल्स चेक किए हैं, उसमें एक किसी स्टूडेंट ने मुझे बोला है कि मैम कई जगह पे क्वेश्चंस बहुत हाई फाई आ रहे हैं। तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, देखिए एक होता है एडवांस में पढ़ना, बट एक होता है बेसिक से पढ़ना। हम जो कर रहे हैं क्वेश्चंस, आपको पहले सिंपल क्वेश्चंस करवा रहे हैं, फिर उसके बाद एडवांस लेवल। अभी आपके पास आज मान के चलिए 28 हो गई है, तो 28 से लेकर 28 फरवरी तक एक कंप्लीट टारगेट है कि जितने क्वेश्चंस कंप्यूटर्स के MCQs बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे, इंक्लूडिंग फिर आपका जो है 10 डे क्रैश कोर्स चलाएंगे हम। 21 को पेपर है तो 10 से चलाएंगे। और एक और चीज़ नोटिफाई कर लेते हैं, जैसे ही आपको गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आएगी, एलाइड और HAS की क्लासेस जो हैं वो बहुत जल्दी शुरू होने वाली हैं, उसका कंटेंट तैयार हो रहा है। तो जैसे ही मतलब नोटिफिकेशन आएगी, HAS की क्लासेस शुरू हो जाएंगी, जिसमें अभी जो आपके पास टाइम है JOIT के कैंडिडेट्स के लिए, उनके लिए तो मैं यही कहूँगी कि जितने कंप्यूटर क्वेश्चंस हम कर सकते हैं अभी कर लें, फिर आपका HPGK को एक सेग्रीगेट टारगेट मिल जाएगा और बाकी क्लासेस जो हैं वो एज पर द शेड्यूल चलेंगी। एंड वन मोर थिंग कि आपको मैंने एनालिसिस कल बताई थी कि एनालिसिस में इतने इतने क्वेश्चंस पढ़ूँ, किसी एक स्टूडेंट ने मुझे लिखा है कि मैम 50 क्वेश्चंस की भी एनालिसिस, 50 क्वेश्चंस इज योर जनरल GK, आपको उसमें सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। मैम JEE क्या एग्ज़ाम भी है? देखिए सबके एग्ज़ाम्स बीच बीच में आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से एक टारगेट पकड़ो वो दो टारगेट। अगर आपने जनरल स्टडीज़ की तैयारी, JEE की तैयारी, जो भी करना है, फोकस हर चीज़ पे रखिए, ठीक है। तो अब हम टाइम ना वेस्ट करें, किसी की जो क्वेरी होगी वो बाद में आफ्टर द क्लास पूछ सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके आगे, पहली चीज़ स्क्रीन देख लीजिए विजिबल है या ब्राइटनेस कम करूँ मैं। आई थिंक अब ठीक है। देखिए मैथ्स के क्वेश्चन, जनरल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, जैसे ही HAS की तैयारी और एलाइड की तैयारी शुरू होगी उसमें आपकी रीजनिंग की सेशंस भी शुरू हो जाएंगे। बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं हम HAS की क्लासेस, और जिसमें आपका HPGK बिल्कुल सेग्रीगेट सेक्शन, और उसमें जो है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट बच गए हैं और बाकी जितना भी है उसमें सारी स्कीम्स और करंट अफेयर हम उसमें करेंगे, ठीक है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन आपके आगे, हिल्स ऑफ ऊना एंड हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट्स आर कॉल्ड एज, जो नीलगिरी मतलब आपकी ऊना और हमीरपुर जिले की पहाड़ियां क्या कहलाती है, नीलगिरी पहाड़ियां, अरावली वलित पर्वत या शिवालिक पहाड़ियां। किसने बोला आपको कि मेरा बर्थडे है? मेरा तो कोई बर्थडे नहीं है भैया आज। Who said you? आप किसको विश कर रहे हैं? मेरा कोई बर्थडे नहीं है अभी। अगर आप मुझे कर रहे हो तो मेरा कोई बर्थडे नहीं है। किसने आपको ये गलत इंफॉर्मेशन दी है कि आज मेरा बर्थडे है? मेरा कोई बर्थडे नहीं आज। शिवालिक रेंज, माउंटेन हिल्स, जस्ट वेट।
ठीक है। हिल्स ऑफ ऊना एंड हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट्स आर कॉल्ड एज, ऊना और हमीरपुर जिले की पहाड़ियां क्या कहलाती हैं? नीलगिरी हिल्स, फोल्डिंग माउंटेन्स, अरावली हिल्स या शिवालिक हिल्स? तो आपका सही आंसर क्या है? आपका सही आंसर है जो हिल्स हैं, देखिए नीलगिरी हिल्स सारी आपके साउथ साइड पर जाती है, तमिलनाडु साइड पड़ती है, तो ये तो नहीं है आपका। अरावली हिल्स आर द ओल्डेस्ट माउंटेन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। गुर शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली। फोल्डिंग माउंटेन्स नहीं है, आंसर इज शिवालिक हिल्स। जो आपकी ऊना और हमीरपुर की पहाड़ियां पड़ती हैं वो किस हिल्स में पड़ती हैं? शिवालिक हिल्स। और शिवालिक हिल्स को हम क्या बोलते हैं? लोअर हिमालयस। और ये कितनी जाती है? 1500 मीटर्स, ठीक है। अगर देखा जाए इसको ट्रेसेस ऑफ शिवा भी बोलते हैं, मानक पर्वत भी बोलते हैं। और ये जो है आपकी कहाँ से एक्सटेंड, मतलब शिवालिक हिल्स में ऊना, और ऊना की पहाड़ देखिए ये सारा 16 सिंगी धार का पड़ता है। हमीरपुर में सबसे लॉन्गेस्ट धार जो है इस शिवालिक रेंज की वो है 16 सिंगी धार। और अगर देखा जाए ऊना की, तो ऊना की धार को हम बोलते हैं 16 सिंगी, वहां पे क्या पड़ जाती है? चिंतपूर्णी धार। तो शिवालिक हिल्स इज द हमीरपुर और ऊना की डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे पड़ती हैं? शिवालिक हिल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, झांस्कर रेंज इन HP इज द साउदर्न मोस्ट रेंज, नॉर्दर्न मोस्ट रेंज, ईस्टर्न मोस्ट या वेस्टर्न मोस्ट? आपको पहले पता होना चाहिए हिमालय कहाँ पे रहते हैं, इंडियाज के किस पार्ट पे है? वेस्टर्न हिमालयस। हिमालयस कौन से एक्सटेंड, हिमाचल किस रेंज पे रहता है? वेस्टर्न हिमालयस पे, ठीक है। झांस्कर जो है वो आपकी एक ऐसी रेंज है, ट्रांस हिमालयन रेंज है, जो किसको कवर करती है? इसको झांस्कर भी बोलते हैं, शिंगोला भी बोलते हैं। तो झांस्कर जो आपकी ये है, ये किसको अलग करती है? किन्नौर एंड तिब्बत को, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी हिमाचल की कौन सी है? शिला। तो किस पार्ट में पड़ती है ये? तो ये ईस्टर्न मोस्ट है, वेस्टर्न मोस्ट है या साउदर्न मोस्ट रेंज है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ईस्ट, वेस्टर्न। हिमालयस की बात नहीं कर रही मैं कि हिमाचल प्रदेश किस रेंज है। झांस्कर जो है हिमाचल प्रदेश को, झांस्कर किसको अलग करता है हिमाचल प्रदेश के? लद्दाख को अलग करता है। तो झांस्कर किस रेंज में पड़ता है? ना ही ये ईस्टर्न मोस्ट रेंज है, ना आपकी ये पड़ती है साउथ ईस्ट पार्ट में। ज्यादातर ज्यादा जो झांस्कर रेंज है वो हिमाचल को साउथ ईस्ट पार्ट से लगती है। तो ये सीधा जो रेंज आएगी दैट इज योर साउदर्न मोस्ट रेंज। आंसर इज साउदर्न। झांस्कर रेंज जो है वो हिमाचल प्रदेश की किस साइड पे पड़ती है? साउथ साइड पे, ठीक है। और साउथ साइड पे अगर पड़ रही है तो वैसे ये डायरेक्शन आती है साउदर्न ईस्ट, वेस्टर्न नहीं आएगी, साउथ ईस्ट पार्ट पे आता है। तो बेसिकली साउदर्न मोस्ट पार्ट, ठीक है। और झांस्कर रेंज की हिमाचल में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शिला, जो कि कहाँ पे है? किन्नौर में, जो कहाँ पे है? किन्नौर में। नेक्स्ट आता है एलिवेशन, हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई कहाँ से बढ़ती है? हिमाचल प्रदेश की जो एलिवेशन है वो किस साइड से बढ़ती है? पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अगर देखा जाए हिमाचल जो है कहाँ से एक्सटेंड करता है? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट या बोथ या नन ऑफ दीस? जल्दी बताइए। तो आपका जो है इसका सही आंसर आएगा वेस्ट टू ईस्ट। हिमाचल की एलिवेशन ऊंचाई कहाँ से बढ़ती है? पश्चिम से लेकर पूर्व तक और फिर दक्षिण से उत्तर की तरफ, दो साइड, या तो वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, और एलिवेशन साउथ से नॉर्थ की तरफ, दक्षिण से नॉर्थ की तरफ, क्योंकि दक्षिण में आपका क्या पड़ता है? हरियाणा, उत्तराखंड पड़ता है। वहां से ऊंचाई नॉर्थ क्या है आपका हिमाचल का? दैट इज योर व्हाट, आपका क्या है? नॉर्थ किस साइड पड़ता है आपके? जम्मू एंड कश्मीर। वेस्ट टू ईस्ट क्या है? वेस्ट इज पंजाब, पंजाब प्लेन है, और ईस्ट आपका तिब्बत है, ईस्ट आपका हिमाचल का तिब्बत है। तो ऊंचाई हमेशा वेस्ट टू ईस्ट पड़ेगी, ठीक है। तो यहां तक एक चीज याद रखिए, अगर किसी को नहीं समझ आता, भूल जाते हो, तो दिस इज योर ईस्ट, दिस इज योर वेस्ट, दिस इज योर नॉर्थ एंड दिस इज योर साउथ हिमाचल का।
वेस्ट साइड आपके पंजाब है और ईस्ट साइड तिब्बत है, तो ये प्लेन्स है, प्लेन्स की तरफ, ये प्लेन्स से ऊंचाइयां कहाँ बढ़ती हैं? तिब्बत की तरफ। एक साउथ साइड उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आता है, तो ये ऊंचाई नॉर्थ साइड क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। तो ऊंचाई हमेशा यहाँ से प्लेन एंड देन ऊपर की तरफ। तो आपको ये याद रखना है कि आपको अगर मैप की लोकेशंस पता है तो आप आराम से कर सकते हो, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। आई थिंक अब क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। द एशियन स्टेट त्रिगर्त हैड टू प्रोविंसेस, वन वाज नागरकोट एंड अदर वाज, प्राचीन राज्य त्रिगर्त के दो प्रदेश थे, एक था नागरकोट और दूसरा क्या था? नागरकोट त्रिगर्त था क्या? त्रिगर्त इज द, अगर तीन पार्ट्स हैं, रावी, सतलुज एंड ब्यास। कनिंगम ने इसको रावी एंड सतलुज का पार्ट बोला। इट्स द ओल्डेस्ट रियासत ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसको भूमिचंद ने बनाया था और मुल्तान तक फैली थी। महाभारता के टाइम से भी इसका मेंशन किया गया। पहला यूरोपियन जो आया था यहाँ पे वो था थॉमस कॉरियट। तो अब आपको बताना है कीरग्राम। कीरग्राम वॉज द नेम ऑफ वैजनाथ, ये नहीं है। पाटलिपुत्र और आपका मगध, मगध जो था ये ज्यादातर हरियाणक डायनेस्टी का था, और पाटलिपुत्र हम बोलते हैं जो कि आज बिहार में है। तो पाटलिपुत्र बेसिकली जो है चंद्रगुप्त मौर्य की डायनेस्टी को बोलते हैं, ठीक है। तो पाटलिपुत्र ने, यह आंसर इज जलंधरा। जो आपका कांगड़ा है दैट इज बेसिकली और जलंधर पार्ट, त्रिगर्त भी बोलते हैं और जलंधर भी बोलते हैं। जलंधर मीन्स, क्योंकि जलंधर के नाम से दानव था, एक बोलते हैं शिवजी का अंश था, क्रोधित अंश था, जिसको शिवजी ने ही मारा था, और जलंधर के कान जो है वो इस एरिया में गिरे थे, जिसकी वजह से इसका नाम कानगढ़ बढ़ गया था। तो आंसर इज जलंधर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आई होप कि आपको स्क्रीन जो है वो विजिबल हो। हु बिल्ट द फोर्ट ऑफ तारागढ़ इन नूरपुर? तारागढ़ पैलेस जो है आपका, तारागढ़ फोर्ट भी बोलते हैं, ये नूरपुर में है। एक क्वेश्चन यहाँ पे आया था कि तारागढ़ कहाँ पे है? तारागढ़ कांगड़ा में है। तो तारागढ़ जो है किसने बनाया था? जगत सिंह, तरकपाल, गुरंगपाल या महाबत खान? यस, तो ये किसने बनाया था? जगत सिंह ने। किसने बनाया था? जगत सिंह। जिसने, जगत सिंह ने धमेरी का नाम क्या किया था? नूरपुर। धमेरी का नाम नूरपुर किसने किया था? जगत सिंह। क्योंकि इसके मतलब इस टाइम पे नूरजहां आई थी शाहगीर जहांगीर के साथ, तो उनको ये जगह अच्छी लगी थी, तो जगत सिंह जो है उन्होंने नूरपुर, धमेरी का नाम नूरपुर रख दिया था। वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ नूरपुर। तो अगर देखा जाए तो तारागढ़, इन्होंने मकोट को भी अपनी कैपिटल बनाया, नगरकोट को भी अपनी कैपिटल बनाया। तो जगत सिंह जो था इसने तारागढ़ फोर्ट बनाया। तो ये क्वेश्चन आया था पीछे कि तारागढ़ है कहाँ पे? ये है आपका कांगड़ा। कहाँ पे है? गुरंगपाल, तारकपाल, ये पाल डायनेस्टी के हैं, तो ये कुल्लू के पड़ते हैं। महाबत खान नहीं था, ठीक है। तो आंसर इज जगत सिंह। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी द स्क्रीन इज विजिबल, और आपको कुछ लाइट्स पड़ रही हैं, क्या पड़ रही हैं जल्दी बताइए ताकि मैं ठीक करूं उसको। एक सेकेंड, नाउ इट्स आई थिंक अब क्लियर है लाइट का इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट वेट। जूम कर दो, जूम कर दिए स्टूडेंट्स। आप देखो, आपको पहले स्क्रीन क्लियर है फिर मैं आपको आगे करवा रही हूँ। नाउ स्क्रीन इज क्लियर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन क्लियर है मैम। विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर? हमीरपुर की ऊंची चोटी कौन सी है? तौनी देवी हिल, आवा देवी हिल, बाबा रुद्रू हिल या झनियारी देवी हिल? तो बाबा रुद्रू इज इन ऊना, तौनी देवी हिल जो है ये भी हमीरपुर में है, झनियारी भी, आवा देवी हिल इज द हाइएस्ट पीक ऑफ हमीरपुर। इट्स नियर अबाउट 1250 किलोमीटर्स का जो उसके मतलब ये है समुद्र तल से, ठीक है। तो उसका है आवा देवी हिल, जो कि हाईएस्ट हिल जो है, हाईएस्ट पीक क्या है? आवा देवी हिल। सोलह सिंगी धार इज द लॉन्गेस्ट धार, और शिवालिक की जो है
वो आपकी ये किस रेंज पे पड़ती है? शिवालिक हिल्स में। हु वाज द फर्स्ट हिमाचली टू बिकम द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? इसमें से कौन सा था, कौन सा हिमाचली है जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी आर्मी स्टाफ का चीफ बनने वाला प्रथम हिमाचली वासी कौन था? वी एन शर्मा, भूपेंद्र ठाकुर, के एल महाजन या नन ऑफ दीज? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। वी एन शर्मा का नाम है विष्णुनाथ शर्मा, के एल महाजन या फिर भूपेंद्र ठाकुर या नन ऑफ दीज? पहला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बना था? तो इसका सही आंसर है वी एन शर्मा, दैट इज योर विष्णुनाथ शर्मा। विष्णुनाथ शर्मा वॉज द फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। इन विच ईयर बायोडाइवर्सिटी बोर्ड वॉज सेटअप इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में जैव विविधता मंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 96, 2001, 2005 या 2010? एक्ट पास हुआ था आपका 2004 में, एक्ट पास हुआ था 2004 में, तो जो इसको इनैक्ट किया गया था वो किया गया था 2005 में। आंसर इज 2005। यस, नेक्स्ट आते हैं। नाउ अब आपको ये बताना है, इंडियन फर्स्ट मिलिट्री स्कूल वॉज सेटअप इन हिमाचल प्रदेश एट चैल, कसौली, देहरादून या फिर शिमला? शिमला में लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल भी है, तो ये नहीं है। देहरादून में इंडियन मिलिट्री कॉलेज है, तो ये नहीं है। कसौली में सनावर स्कूल है, तो ये नहीं है। और क्राय यानी आपका एंटी रेबिस के लिए जो दवाई बनती है वो कहाँ पे है? आपकी कसौली में है। तो आंसर इज चैल। जो चैल में पहला हिमाचल का मिलिट्री स्कूल जो है वो कहाँ पे खुला था? चैल में खुला था। आंसर इज चैल। हु वाज नोन एज महर्षि इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में शोभा सिंह को महर्षि कहा जाता है, निकोलस रोरिक, निक्का चंद या एलसी प्रार्थी? एलसी प्रार्थी ने लिखी थी कि किधर देश? शोभा सिंह इज द, शोभा सिंह आर्ट गैलरी भी है जो कि अंद्रेटा में है। निक्का चंद, निक्का चंद नहीं है, निक्का चंद इज द बेसिक आर्टिस्ट ऑफ और पेंटर ऑफ संसार चंद, ठीक है, तो ये नहीं है। आंसर इज निकोलस रोरिक। निकोलस रोरिक आर्ट गैलरी कहाँ पे है? नागर में है। और रोरिक आर्ट गैलरी का जो नाम है दैट इज योर महर्षि, ठीक है, तो आंसर इज निकोलस रोरिक। आंसर इज निकोलस रोरिक। यहाँ तक हिमाचल के क्वेश्चंस किस किस के सही हैं? हिमाचल के क्वेश्चंस किस किस के सही हैं? यस, ही वाज पेंटर, रशियन पेंटर जो यहाँ पे आकर सेटल हो गया था, जहाँ पे जाकर, और इन्होंने शादी किससे की थी? एक एक्ट्रेस थी देविका रानी, उसके साथ की थी। तो अब ये बताइए कि यहाँ तक किस किस का क्लियर हो गया, ठीक है? ऑल करेक्ट, सब गलत मेरे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेग्राम इन अफगानिस्तान वॉज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स? बेग्राम जो है अफगानिस्तान में वो किसकी कैपिटल थी? बेग्राम इन अफगानिस्तान वॉज द कैपिटल इन विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स? कनिष्क, अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य या समुद्रगुप्त? जल्दी बताइए। कनिष्क। बेग्राम अफगानिस्तान जो थी कनिष्क, इसका आंसर क्या है? कनिष्क, अशोका, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। एक क्वेश्चन आया था कि कहाँ पे इन्होंने जो है कहा जाता है आपका कहाँ पे इन्होंने सर्वाइव किया था या कहाँ पे इन्होंने अपनी लास्ट डेज जो है वो कहाँ पे काटे थे? दैट इज योर चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, इन्होंने श्रवण बिगोला में काटे थे। फाउंडर किसके थे? ये मौर्यन डायनेस्टी के थे। तो ये क्वेश्चन दो आते हैं। ये भी क्वेश्चन मैंने किसी में देखा था कि इन्होंने अंतिम सांसें कहाँ पे ली थी, तो वो है श्रवण बिगोला जो कि कर्नाटका में था। मौर्यन डायनेस्टी इन्होंने सेल्यूकस निकेटर
को वो किया था, हराया था, डिफीट किया था। और सेल्यूकस निकेटर ने यहाँ पे एक मेगानाथीस जिसने इंडिका लिखी थी। कौटिल्य विष्णुगुप्त चाणक्य वॉज द मेन लीडर और मेन गुरु ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, तो ये नहीं है। 322 BC में इन्होंने बनाया था, और किसको हराकर, धनानंद को हराकर। अशोका, अशोका जो था 260, इसका ये याद रखिए कि कलिंगा वॉर जो है 261 में हुई थी, जिसने भैरी घोष और धम घोष। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का जो टाइम था वो था 335 से लेकर 380 तक, ठीक है, 335 से 380 तक। इसने क्या है, समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, V.S. स्मिथ ने कहा था। इनके जो बारे में लिखा गया है वो है प्रयाग प्रयासती एज वेल एज इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि ही वॉज अ ग्रेट कंक्वर, और किसने लिखा था, हरिसेन ने, तो ये नहीं है। आंसर इज कनिष्क। बेगराम जो थी इन अफगानिस्तान वॉज द कैपिटल ऑफ कनिष्क। हमने पीछे एक क्वेश्चन किया था कि मेन कैपिटल ऑफ कनिष्क वॉज पुरुषपरा, यानी आपकी पेशावर, ठीक है। उसके बाद तक्षशिला और मथुरा आर द रीजनल कैपिटल्स, वैसे ही अफगानिस्तान इज, बेगराम इज ऑल्सो ए रीजनल कैपिटल ऑफ कनिष्क। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पे हुई है, कनिष्क के टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, हु अमंग द फॉलोइंग इज द इज फेमस फॉर सेविंग द एम्पायर फ्रॉम हूना ट्राइब्स विच हैड ओवररन एशिया एंड यूरोप। समुद्रगुप्त जो थे, मतलब इनमें से कौन सा है जिसने हूना ट्राइब से अपने गुप्ता एम्पायर को बचाया है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, चू, स्कंदगुप्त या नन ऑफ द अबव। तो अगर हम बात करें, हमने समुद्रगुप्त की बात कर ली, ये था 335 और 480 के बीच में, तो इस टाइम पे हूनाज ने अटैक नहीं किया था। चंद्रगुप्त टू, चंद्रगुप्त टू जो था इनका टाइम जो था, ये मैं आपको बता देती हूँ, 380 से समुद्रगुप्त के बाद आए थे ये आपके चंद्रगुप्त, ठीक है। बीच में एक आए थे रामगुप्त जिनको हरा दिया गया था, मतलब उन्होंने इतने अच्छे रूलर नहीं थे। तो ये है आपके चंद्रगुप्त टू, जिसने मेहरौली इंस्क्रिप्शंस यानी मेहरौली आयरन पिला भी बनाया। इन्होंने साकास को हराने के बाद इनकी जो कैपिटल थी दैट इज उज्जैन, उज्जैन को सेकेंड कैपिटल बनाया। अपनी बेटी का विवाह प्रभावती गुप्ता का विवाह जो है वाक्टका रूलर्स जो है रुद्र दमन के साथ किया। साकास को हराने के बाद इन्होंने जो है आपका सिल्वर कॉइन्स भी इशू किए थे। तो ये एकमात्र जिसने सिल्वर कॉइन्स इशू किए थे वो कौन थे, चंद्रगुप्त टू। आंसर इज स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के टाइम पे हूनाज ने अटैक किया था, और कहा जाता है स्कंदगुप्त के टाइम पे हून कौन थे, हून का मेन रूलर था तौरमैन, तौरमैन ने हराया था। तौरमैन जो थे मेन लीडर ऑफ हुनजार तौरमैन, और स्कंदगुप्त जो थे इन्होंने जो है हूना से रोका था इसको, स्कंदगुप्त, ठीक है। और ये जो है आप इसको किस इंस्क्रिप्शन में देख सकते हो, बिटारी, बिटारी पिलर्स में, उन इस इंस्क्रिप्शन बिटारी पिलर्स इंस्क्रिप्शन में हमें ये पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हूना से अपने आप को कैसे बचाया था, स्कंदगुप्त, ठीक है। नेक्स्ट आता है चंद्रगुप्त टू को बोलते हैं विक्रमादित्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द न्यूज़पेपर अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका अखबार किसने शुरू किया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, लाला जगत नारायण या फिर शिशिर कुमार घोष। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे इन्होंने क्या किया है, आपको पता है ईश्वर विडो रिमैरिज कभी इन्होंने बोलते हैं एनकरेज किया था। सेकेंड, अगर देखा जाए इन्होंने एक न्यूज़पेपर लिखा दैट इज कॉल्ड सोम प्रकाश, उसकी एडिटिंग की थी, तो ये नहीं है, इनको तो कैंसिल कर दो, ठीक है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के फाउंडर थे। सत्यार्थ प्रकाश एंड गो बैक टू वेदास इन्होंने लिखी। लाला जगत नारायण कहा जाता है पंजाब केसरी के फाउंडर और हिंदू हिंद समाचार की मेन लीडर एडिटर कौन थे, लाला जगत नारायण, तो ये नहीं है। अमृत बाजार पत्रिका जो है वो शिशिर कुमार घोष ने लिखी, किस लैंग्वेज में, बंगाली लैंग्वेज, बंगाली,
किस लैंग्वेज में लिखी थी? बंगाली लैंग्वेज में, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। विच एक्ट डिसकंटिन्यूड द अपॉइंटमेंट टू सिविल सर्विसेज एंड रिजेंट ऑफ एक सेकेंड, वेट अ मिनट, जस्ट राइट, एंड रिजर्वेशन ऑफ द पोस्ट बाय द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। किस अधिनियम ने राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवाओं में नियुक्ति और पदों के आरंभ को बंद कर दिया था? इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या नन ऑफ द अबव। एक्ट 1919 को हम बोलते हैं मॉन्ट कैंसफोर्ड एक्ट, ठीक है। तो इसने सबसे ज्यादा क्या शुरू किया था? डायरकी। इसने डुअल सिस्टम को शुरू किया था और 1935 ने एबॉलिश किया था आपका डायरकी सिस्टम। किसको स्टॉप किया था? डीआरकी को। और क्या शुरू की थी? फेडरेशन, फेडरल सिस्टम शुरू किसने किया था? कब शुरू हुआ था? 1935 में। और डीआरकी को खत्म किया था, डुअल सिस्टम को खत्म किया था 1990 के बाद, 35 ने बैन किया था। तो ये दोनों जो है आपके कैंसिल है, नन ऑफ द अबव नहीं आएगा। आंसर इज 1947, इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसको आप क्या बोलते हो? माउंट बेटन प्लान। इसको हम क्या बोलते हैं? माउंट बेटन प्लान। माउंट बेटन प्लान जिसके अकॉर्डिंग जो है दो डोमिनियंस बने थे, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो माउंट बेटन प्लान के अकॉर्डिंग ही जो है सिविल सर्विसेज और इसकी रिजर्वेशन फॉर द पोस्ट जो है उसको बंद किया गया था। अगर देखा जाए जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थे उसका एक्ट बना था 1853 में। कब बना था? 1853। और इंडियन सिविल सर्विसेज की वैलिडेशन हुई थी 1861 में, ठीक है। 1861 में इंडियन सिविल सर्विसेज को वैलिडेट किया गया था। अगर देखा जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक्ट, मतलब कोई भी है जो कॉम्पिटिशन्स दे सकता है ओपन, दैट इज 1853, जिसमें इंडियंस को मतलब एंटर नहीं किया जाता था। 1861 में जो है कंप्लीट वैलिडेशन की आपके इंडियन सर्विसेज सिविल सर्विसेज होंगी, जिसमें पोस्ट भी थी और आपकी रिजर्विंग फॉर द पोस्ट, रिजर्वेशन कब शुरू हुई थी? 1858, ठीक है, ये याद रख लेना। तो इसका सही आंसर क्या है? इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1526 इज सिग्निफिकेंट इन इंडियन हिस्ट्री बिकॉज ऑफ 1526 ईस्वी के कारण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्या घटना घटी थी? फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव, अराइवल ऑफ इबन बतूता, अराइवल ऑफ वास्को डी गामा या एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें से मतलब 1526 को क्या हुआ था? वास्को डी गामा जो है सबसे पहले कहां पे पहुंचा था? कालीकट में। कहां पहुंचा था? कालीकट। और ये कब पहुंचा था? 1498 में। ये कब पहुंचा था? 1498। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हुई थी 1600 में और इंडिया में हुई थी 1608 में। लंदन में स्थापित हुई थी 1600 में और इंडिया में 1608 में। तो आपका अराइवल ऑफ इब्न बतूता 1337 मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था। और कहाँ से आया था? ये क्वेश्चन आया था कि इब्न बतूता कहाँ से आया था। तो इब्न बतूता जो है ये मोरक्को से आया था, मुस्लिम मोरक्शियंस था, तो ये वहां से आया था। किसके टाइम पे आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, 7 साल रहे। तो अब आपका 1526 डेट्स देख लीजिए, इसमें कुछ भी नहीं है। तो 1526 को हुई थी बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में? आपकी बाबर एंड इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी और इब्राहिम लोधी के बीच में हुई थी, जिसमें लोधी डायनेस्टी का एंड हुआ था और एक नई सल्तनत का उद्गम हुआ था। दैट इज योर मुगल एम्पायर, ME, मुगल एम्पायर का उद्गम हुआ था। तो 1526 वॉज द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया। मुगल एम्पायर का नॉर्थ इंडिया में स्थापित होना बाय द बाबर। बाबर कहाँ से आया था? काबुल से आया था, जिसने इब्राहिम लोधी को हटाकर
खत्म हुई थी, यानी दिल्ली सल्तनत का एंड 1526 को, एंड ऑफ द दिल्ली सल्तनत एज वेल एज लोधी डायनेस्टी एंड उद्गम ऑफ एमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी दैट इज कॉल्ड मुगल एम्पायर. और वो मुगल एम्पायर कहाँ के थे, मतलब कौन थे उसके फाउंडर? बाबर. आंसर इज बाबर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मैम कंप्यूटर का करवाओ. आप लोग थंबनेल्स नहीं देखते हो क्या? इसके बाद थंबनेल्स के बाद, इस क्लास के बाद कंप्यूटर की क्लास है. आपको क्या चाहिए शिवम नेगी? कई कल एक क्वेश्चन एक और आता, मैम डिटेल में करवाओ. डिटेल में करवाते हैं तो बोलते हैं एमसीक्यूज करवाओ. एमसीक्यूज करवाओ तो बोलते हैं डिटेल में करवाओ. और जो पुरानी क्लासेस नहीं देखते हैं, डिटेल हम कर चुके हैं, अब हम एमसीक्यूज वाइज जो जैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके वाइज. अब मुझे एक चीज नहीं समझ आ रही है आप लोगों की, आप इतने कंफ्यूज क्यों होते हैं? आप अगर सिस्टमैटिक चलोगे तो इजीली पेपर क्लियर करोगे और पैनिक नहीं होंगे. आप लोग क्या करते हो, ये नहीं तो ये करवाओ. क्लासेस को रेगुलरली देखोगे तो प्रॉपरली आपको समझ आएगा. मुझे समझ नहीं आता, कई बार ऐसा होता है, मैम डिटेल करवाओ. जब डिटेल करवाते हैं तो एमसीक्यूज करवाओ, एमसीक्यूज करवाओ तो डिटेल करवाओ. यही कंफ्यूजन में आप लोग हमें भी वो करते हो कई बार. कंप्यूटर का करवाओ, क्या करवाओ? नेक्स्ट क्लास कंप्यूटर की है, सिस्टमैटिक तो चल रहे हैं. कहां से आपको लग रहा है कि कोई चीज हम छोड़ रहे हैं? आप लोग कई बार ना बहुत ज्यादा हद मचाते हो, बहुत ज्यादा, और फिर पढ़ाने का कोई मजा नहीं आता फिर क्लास में. इंदिरा कोल मेक्स द 3-point बाउंड्री बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, दैट इज द ज्योग्राफी पार्ट. ये आपका है ज्योग्राफी. मैं पहले लिख यहाँ पे आपको, दिस इज योर ज्योग्राफी सेशन, ज्योग्राफी प्रैक्टिस सेशन है, जिसका पहला क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट, इंदिरा कोल मेक्स 3-point बाउंड्री बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. इंदिरा कर्नल या कॉल किन किन देशों के बीच में जो है आपका कह सकते हैं पॉइंट्स बनाते हैं, 3-point बिंदु बनाते हैं. इंदिरा कॉल है क्या, ये कहाँ पे है? इट्स अ पॉइंट ऑन नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, इट्स कॉल्ड एज द नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ इंडिया. नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड इंदिरा इंडियन कर्नल, जो कि कहाँ पे है, सियाचिन एरिया में पड़ता है एंड इट्स अ पार्ट ऑफ कराकोरम रेंज. ठीक है, तो ये किन बाउंड्रीज को टच करता है? इंडिया पाकिस्तान चाइना, इंडिया नेपाल चाइना, इंडिया म्यांमार चाइना या इंडिया भूटान चाइना? तो इसका सही आंसर जो है आपका है इंडिया पाकिस्तान चाइना. अगर मैं आपको इसका एक और चीज बता देती हूँ, ये जो है आपका सियाचिन, इसको एक नाम से जाना जाता है, गॉडेस लक्ष्मी इसको पॉइंट दिया जाता है. मतलब ये किस, जो नाम पड़ा है ये आपका गॉडेस लक्ष्मी को डेडिकेट किया गया है. और एक और चीज, इसको बनाने वाले कौन थे, किसने इसका नाम रखा था? बुल्लॉक वर्कमैन जिसने इस इंडियन कर्नल पॉइंट को खोजा था 1912 में. अगर हम देखें साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो पहले था इंदिरा पॉइंट. इंदिरा पॉइंट वॉज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया. साउदर्न मोस्ट पॉइंट मतलब इंदिरा पॉइंट, लेकिन जब आपके सुनामी आई थी तो ये इंदिरा पॉइंट जो है सबमर्ज हो गया था. अब जो है पार्ट, अब किसको बोला जाता है? केप कैमोरिन. केप कैमोरिन इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया. साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज केप कैमरिन. अगर कभी आपको इंदिरा पॉइंट दिया है और केप कैमरिन ऑप्शन दिए, देन द राइट ऑप्शन इज केप कैमरिन. अगर इंदिरा पॉइंट ही दिए तब आपने इंदिरा पॉइंट पे ही लगाना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका. यस, इज नियर अबाउट 5000. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस छथम सॉ मिल इज लोकेटेड अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया? दमन एंड दीव, गोवा, लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार आइलैंड्स? दमन एंड दीव की कैपिटल है दमन एंड इट्स फेमस फॉर पोर्टुगल, यानी पुर्तगाल के लिए जो एक आर्किटेक्चर चर्चेस. गोवा भी जो है वो पुर्तगाल के लिए ही है. गोवा का पुराना नाम क्या था? वास्को डी गामा.
तो गोवा जो है ये पोर्टुगीज कल्चर को बताता है, यानी पुर्तगाल कल्चर को बताता है। और सबसे ओल्डेस्ट चर्च जो है आपका गोवा में है, तो आपका ये भी नहीं है, ठीक है, दमन भी नहीं है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप इज फेमस फॉर, मैंने आपको बताया था एक लैक्डिव माइक्रो इज द फेमस वेराइटी ऑफ द कोकोनट, इज फेमस फॉर कॉरल्स एंड एटोल्स जो है, ठीक है। तो लक्षद्वीप नहीं है। आंसर इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द फेमस हिल स्टेशन कोडे कैनाल लाइज इन, प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोडे कैनाल कहाँ पे है आपके, नीलगिरी हिल्स, पलानी हिल्स, कार्डमम हिल्स या जावड़ी हिल्स। देखिए जावड़ी एंड शिवराय हिल्स, जावड़ी एंड शिवराय हिल्स आर इन ईस्टर्न घाट्स, ये कहाँ पे पड़ती हैं, ईस्टर्न घाट साइड पे पड़ती हैं। कार्डमम हिल्स एंड पलानी और नीलगिरी हिल्स दे आर द पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। कार्डमम हिल्स जो है ये तमिलनाडु की तरफ पड़ती है, बट पार्ट ऑफ केरला एंड तमिलनाडु का बीच। और कार्डमम ज्यादातर हमें कहाँ पे मिलते हैं, इसको केरला बोलते हैं। पलानी हिल्स जो वेस्टर्न घाट पे पड़ता है, नीलगिरी हिल्स ये भी वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है, लेकिन ये है कहाँ पे, तमिलनाडु में। और नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। आंसर क्या आएगा आपका, पलानी हिल्स। कोडे केनाल कहाँ पे पड़ता है, पलानी हिल्स, दैट इज इन तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज थिकनेस ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। देखिए क्रस्ट जो होती है, क्रस्ट जो है वो दो तरह की है, एक होती है ओशानिक और एक होती है आपकी कॉन्टिनेंटल, ठीक है। आपकी जो ओशनानिक क्रस्ट होती है दैट इज 5 to 7 किलोमीटर्स, ठीक है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है 35 किलोमीटर्स, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, अराउंड 35 किलोमीटर्स, अराउंड 35 किलोमीटर। मैम स्क्रीन ब्लैक बोर्ड ठीक करो, स्क्रीन ब्लैक बोर्ड मतलब, जल्दी बताइए रवि कुमार, स्क्रीन किस तरह, जल्दी बताइए स्क्रीन आपको किस तरह की स्क्रीन का ड्रॉबैक आ रहा है, जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर है ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोक्साइड हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोक्साइड का मिक्सचर क्या कहलाता है, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, नेचुरल गैस, जल्दी बताइए। कार्बन मोनोक्साइड एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड, प्रोड्यूसर गैस क्या होती है, प्रोड्यूसर गैस होती है कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड प्लस H2O प्लस N2, ठीक है। प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन भी होती है, हाइड्रोजन भी होती है और आपकी कार्बन मोनोक्साइड भी होती है, तो ये नहीं है। नेचुरल गैस इज द पार्ट ऑफ इथेन, सबसे ज्यादा क्या होती है इसके अंदर, इथेन, तो ये नहीं है। आंसर इज वाटर गैस, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हाइड्रोजन इज कॉल्ड वाटर गैस। ऑर्डिनरी ग्लास जो होता है वो किसका बना, सामान्य कांच किसका बना होता है, सोडियम सिलिकेट, आई थिंक जूम करना पड़ेगा। ऑर्डिनरी ग्लास इज सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, कॉपर सिलिकेट या कैल्शियम एंड सोडियम सिलिकेट। तो जो आपका सामान्य कांच होता है वो सिलिकेट का बनता है, बट इट्स अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम एंड सोडियम सिलिकेट। आंसर इज कैल्शियम एंड सोडियम सिलिकेट। नेक्स्ट, काउसिंग या ये है सोर्सिंग, सोर्सिंग लिखा है, ये है सोरिंग ऑफ मिल्क। दूध किस वजह से खट्टा होता है आपका, जो दूध किस वजह से खट्टा होता है, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस या निमेटोड्स। प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस या निमेटोड्स। निमेटोड्स जितने एनालिथ्स होते हैं वो, मतलब जैसे आपके राउंड वर्म्स आर कॉल्ड नेमेटोड्स, प्रोटोजोआ जितने भी आपके सैंड फ्लाइज हैं, मॉस्किटोज हैं, दे आर कमिंग इन प्रोटोजोआ। तो आंसर इज
बैक्टीरिया, और कौन सा करता है? लैक्टोबेसिलस। लैक्टोबेसिलस जो है आपका ये किसको कन्वर्ट करता है? लैक्टोबेसिलस जो है वो दूध को खट्टा करता है, यानी लैक्टिक एसिड को। आंसर इज बैक्टीरिया। ठीक है, नाउ कम्स करंट अफेयर क्वेश्चंस। करंट अफेयर क्वेश्चंस देखिए, व्हाट इज एम्फेक्स 21 दैट वाज सीन इन न्यूज रिसेंटली? निम्नलिखित में से कौन सा एम्फेक्स साम्राज्य को बचाने के लिए, एक सेकेंड, ये जो है इसकी हिंदी गलत है, इसकी हिंदी गलत है, आप इस हिंदी को कैंसिल कर दीजिए, इसकी हिंदी गलत है। इसमें है कि एम्फेक्स जो, एम्फेक्स क्या है, 21 एम्फेक्स क्या है जिसको हाल ही में न्यूज में देखा गया है? एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कोविड वैक्सीन कैंडिडेट, ट्रायल सर्विस ज्वाइंट एक्सरसाइज ऑफ इंडिया या नासा मून रोवर? जल्दी बताइए। देखिए ये कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, जिसमें किसको डील किया जा रहा है? आपके नेवल वेसल्स, फ्लाइंग मशीन्स, एक तरह से ये है क्या, इट्स अ जॉइंट एक्सरसाइज ऑफ इंडिया, जिसमें ट्रायल सर्विस जॉइंट एक्सरसाइज है, कहाँ पे कंडक्ट की जा रही है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, जहाँ पे डिफरेंट नेवल वेसल्स, जितने भी फ्लाइंग मशीन्स हैं, जितने भी पेट्रो वेसल्स हैं, उनके साथ एक प्रॉपर डीलिंग की जाएगी, दैट इज ट्राई सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट, केपी शर्मा ओली हु वाज सीन इन न्यूज, जो अभी केपी शर्मा न्यूज आपने देखा होगा कि आजकल इनकी न्यूज चल रही है, तो वो किस से, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? नेपाल, थाईलैंड, भूटान या आपका श्रीलंका? यस, जो केपी शर्मा ओली है, इनको जो है हाल ही में हटा दिया गया है, इस कम्युनिस्ट पार्टी के थे तो इनको हटा दिया गया है, इनको डिसॉल्व कर दिया गया है, और इनको हटाने वाला कौन था? एक्सपेयर्ड बाय पुष्पा कमल प्राचनंद जो है इन्होंने हटाया, और जो केपी ओला है, केपी शर्मा ओली जो है, ये लोअर हाउस ऑफ प्रतिनिधि सभा, इनको डिसॉल्व कर दिया गया। किसने किया है ये नाम याद रखना, प्रभा, आंसर इज पुष्प कमल, पुष्प कमल प्राचनंद, प्राचनंद इन्होंने जो है इनको यहां किसके द्वारा एक्सपेल्ड हुए? पुष्प कमल प्राचनंद के द्वारा एक्सपेल्ड हुए, और कहां से, कहां के थे ये? नेपाल के, कहां के थे? नेपाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेस एजेंसी ऑफ विच कंट्री हैज रिसेंटली रिलीज द इमेजेस ऑफ लॉस्ट गैलेक्सी ऑफ वर्गो क्लस्टर्स? किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में कन्या क्लस्टर के द लॉस्ट गैलेक्सी की छवियां जारी की है? ठीक है, वर्गो क्लस्टर जो है उसमें से आपको लॉस्ट गैलेक्सी की पिक्चर्स दिखाई गई है, वो किस कंट्री ने दिखाई है, किस स्पेस एजेंसी ने? इंडिया, यूएस, जापान या चाइना? ठीक है, और ये कौन सी है आपकी गैलेक्सी? NGC H35, ये लार्जेस्ट कहा जाता है, जो ये वर्गो क्लस्टर है, इट वाज द लार्जेस्ट क्लस्टर ऑफ दिस गैलेक्सी, मतलब इस गैलेक्सी का, तो ये कहां से आया है? ठीक है, तो ये कहां से है, और ये किस फॉर्म, जैसे हमारी गैलेक्सी की शेप क्या है? बीन शेप, तो इसकी जो है वो है स्वर्ल, इस तरह से। ठीक है, तो ये कहां की है? ये है आपकी यूनाइटेड स्टेट्स की। आंसर इज यूएस, नासा ने किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेनेट येलन हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन ट्रेजरी सेक्रेटरी ऑफ विच कंट्री? जेनेट येलन को किस देश की पहली महिला ट्रेजरी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स या यूनाइटेड किंगडम? जल्दी बताइए। ठीक है, तो ये कहाँ की है? ये है आपकी यूनाइटेड किंगडम। जेनेट येलन को ट्रेजरी सेक्रेटरी जो है कहाँ का, फर्स्ट वुमेन टू बिकम द ट्रेजरी सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड किंगडम? ठीक है, तो आंसर इज
इसकी भी पुलिस भर्ती की भी क्लासेस जो हैं वो शुरू कर रहे हैं, मे बी नेक्स्ट मंथ, और पर जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी तो शुरू कर दी जाएगी। पर HAS और एलाइड की क्लासेस जो हैं जस्ट वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन, और उससे अगले दिन या एक दिन बाद आपकी क्लासेस शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा आपको। कॉर्नवॉल द होस्ट ऑफ दिस ईयर G7 समिट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? इस साल G7 शिखर सम्मेलन जो है वो होने जा रहा है, कब होगा? जून में होगा। कब होने जा रहा है? जून में होने जा रहा है, नियर अबाउट 21 to 23 को। ठीक है, तो ये जो G7 समिट है वो किस कौन सी कंट्री में हो रहा है? स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, इटली या ब्राजील? जल्दी बताइए। ब्राजील। तो ये कॉर्नवॉल जो है मतलब किस कंट्री की ये जगह है, कहाँ पे हो रहा है G7 समिट? कॉर्नवॉल में हो रहा है। और ये कॉर्नवॉल किसका पार्ट है, कहाँ का है, कौन सी जगह, कहाँ पे है ये जगह? स्विट्जरलैंड में, यूनाइटेड किंगडम या इटली? ये हो रहा है आपका यूनाइटेड किंगडम। आंसर इज यूनाइटेड किंगडम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड अ प्लेटफॉर्म फॉर इट्स क्लाइंट नेम स्टार MF+? किस संगठन ने स्टार MF+ नाम के अपने ग्राहकों के लिए एक मंच शुरू किया गया है? फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, स्टॉक एक्सचेंज, सिक्योरिटीज एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी, या पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी? तो अगर देखा जाए ये जो स्टार MF+ है ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा ऐप शुरू किया है, ऐसा प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है ताकि वो अपने क्लाइंट्स को इजीली पे कर सकते हैं, क्लाइंट्स जो हैं इजीली टॉक कर सकते हैं। तो ये जो है सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आंसर इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और जो वो क्वेश्चन था हमारा G7 वाला, उसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया को इनवाइट किया एज ए गेस्ट, ये याद कर लीजिए। किन कंट्रीज को इनवाइट किया है? इंडिया को भी किया है, ऑस्ट्रेलिया को भी किया है, और साउथ कोरिया को भी किया है एज ए गेस्ट इनवाइट किया गया है। तो और इसका है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, और जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको, अब जितने भी लोग हैं जो फ्रंट ऑफिस एंड बैक ऑफिस से उनके साथ प्रॉपरली टॉक कर सकते हैं, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यस, इट वॉज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं आपके, आई थिंक एक स्लाइड, यहां तक के क्वेश्चंस थे, एक इंग्लिश की स्लाइड है आई थिंक मिस हो गई है, वो कर लेते हैं, जस्ट वेट। एक स्लाइड मिस हो गया, इंग्लिश की स्लाइड है, तो जस्ट वेट, वो भी सॉल्व कर लेते हैं, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। आज का सेशन आपको टफ लग रहा है, चलिए ये वाला है क्वेश्चंस, ये कर लेते हैं। द लाल स्ट्रीट भी बोलते हैं इसको। यस, वी एंटर डैश द क्लासरूम, इन द क्लासरूम, इनटू द क्लासरूम, फॉर द क्लासरूम, या नो प्रपोजिशन नीडेड? नाउ इट्स परफेक्ट, आई थिंक अब ठीक है, बहुत ही ज्यादा ब्राइटनेस हुई थी। वी एंटर इन टू द क्लास रूम फॉर इन नो प्रपोजिशन नीडेड, तो यहाँ पे क्या आएगा? वी एंटर्ड इन टू द, क्योंकि आप क्लास रूम के अंदर जा रहे हो, इन द नहीं आएगा, इट्स जस्ट एंटर्ड इन टू द क्लास रूम, इन टू द क्लास रूम। ठीक है, नेक्स्ट आता है, शी टेक्स प्राइड डैश हर ब्यूटी, शी टेक्स प्राइड ऑफ हर ब्यूटी, फॉर हर ब्यूटी, अबाउट या इन? तो शी टेक्स प्राइड ऑफ हर ब्यूटी, इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑफ। अ स्टेटमेंट ऑन ओथ इज कॉल्ड, जो हम ओथ शपथ लेते हैं
उस शपथ लेने की स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है? ब्लैस्फेमी। ब्लैस्फेमी का मतलब क्या होता है? ये सारे लोग करते हैं, हर बार करते हैं, हर सेकेंड करते हैं। प्रोफेसी क्या होता है? प्रोफेसी जो है इट्स द ब्लेम लगाना किसी पे, ठीक है? तो ये नहीं है, एलिबी नहीं है, आंसर इज एफिडेविट। ब्लैस्फेमी क्या होता है? जैसे हर सेकंड भगवान की निंदा करते रहना, भगवान के बारे में, अगर भगवान ने आपकी विश नहीं सुनी तो उस टाइम पे जो हम निंदा करते हैं ना कि भगवान तो हमारी सुनता ही नहीं है, ये सब ब्लैस्फेमी उसको बोलते हैं, ठीक है? आंसर इज ब्लैस्फेमी, जो भगवान की हर सेकंड निंदा करता है, दैट इज योर ब्लैस्फेमी। ब्लैस्फेमी आप में से कितने लोग जो हैं भगवान की निंदा करते हैं? कितने ऐसे हैं? अगर जैसे पेपर टफ आया, हे भगवान हमने कहाँ से पढ़ लिया, क्या किया, कई बार आप ये बोलोगे हम गलती कर ली, हमने इस चैनल से पढ़ लिया, भगवान की निंदा, काश ये हमें मिले ही ना होते। तो वो सारी चीजें जो हैं, जो आप हर, और मेरे ख्याल से आप हमेशा ये एक हर एक सेकेंड पे, अगर आपकी विश पूरी नहीं हुई तो आप बोलते हो उसको कि भाई ये भगवान की निंदा करना इज कॉल्ड ब्लैस्फेमी। प्रोफेसी क्या होती है? भविष्यवाणी करना। जस्ट प्रोफेसी क्या होता है? भविष्यवाणी करना, कि फ्यूचर में प्रिडिक्शन कर देना कि ये कल होने वाला है। तो आप लोगों में से कई ऐसे भविष्यवाणी करने वाले भी है कि कल जो है पेपर बहुत टफ आने वाला है, कोई भविष्यवाणी करने, पेपर बहुत ईजी आने वाला है। तो दैट इज द प्रोफेसी इज द भविष्यवाणी, ठीक है? एफिडेविट, तो जो शपथ लेते हैं वो क्या है? एक एफिडेविट है। नेक्स्ट आता है एयर इज टू मैन एज वाटर इज टू, अगर हवा इंसान के लिए जरूरी है तो पानी किसकी लाइफ लाइन है? प्लांट्स की, एयरमैन की, एम्फीबियंस या लाइफ? तो वाटर इज अ लाइफ, पर यहाँ पे कंपैरिजन दिया गया है। एम्फीबियंस वो होते हैं जो लैंड एंड वाटर, अगर उनको पानी ना मिले तो वो लैंड पे रह लेंगे, तो वो नहीं है। एयरमैन नहीं है, तो वाटर सबसे, अगर पौधों को पानी नहीं मिलेगा तो वो मुरझा जाएंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो आंसर इज प्लांट्स, आंसर इज प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द वन हु इज फॉन्ड ऑफ इंफ्लिक्टिंग पेन, जिसको पेन में रहना, हर वक्त कोई ना कोई टेंशन में रहना, इज वॉट पेनफुल, सैडिस्ट, मिस्चीवियस या हार्मफुल। तो जिसको हर वक्त किसी ना किसी दर्द, मतलब टेंशन या पेन में रहने की आदत हो, वो क्या होता है? सैडिस्ट। आंसर इज सैडिस्ट। नाउ शुद्ध शब्द क्या है? योग्य, योग्य, योग्य या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर इज योग्य। अभियस्त, अभी और अस्त, अभी प्लस अस्त, अभी प्लस अस्त, अभ्यस्त या आपका अब प्लस अस्त, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? 197 का अभी प्लस अस्त या अभी प्लस अस्त, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, बी या ए? बी बी 197 का अभी प्लस अस, ये वाला अभी नहीं हो सकता, तो अभी प्लस अस। तो इसका सही आंसर क्या है? अभी प्लस अस। चंद्रशेखर, कल किसी बच्चे ने मेरे से पूछा था कि बहुब्रीहिसमास क्या होता है। देखिए बहुब्रीहिसमास जो होते हैं, जिसमें आप विग्रह नहीं कर सकते, जिसमें कोई कंपेरिजन, कुछ नया वर्ड जो बनाता है, दैट इज बहुब्रीहिसमास। तो चंद्रशेखर, चंद्रशेखर इज द बहुब्रीहिसमास। और नाव का पर्यायवाची होती है तारणी, वो क्या बोलते हैं? तारणी। 198 का क्या है? बहुब्री। आज का सेशन था इतना ही, और मैं आपसे एक बार फिर कहूंगी कि रिपब्लिक डे ऑफर चल रही है, उसको लीजिए, कांटेक्ट कीजिए, और जल्द से जल्द उसको कहा जाता है कि वो आप ही के कहने पे उस ऑफर को एक्सटेंड कर दिया गया है। आप ही के कहने पे 26 वाली ऑफर को कई स्टूडेंट्स ने कॉल किया होगा और ऑफर को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अगर आपने कोर्स खरीदना है, तो चाहे वो जेओ के कोई कैंडिडेट्स क्वेश्चंस लेना चाहते हैं, कोई भी कंटेंट लेना चाहते हैं, तो गो एंड दैट ऑफर एंड ग्रैब दिस ऑफर एज सून एज पॉसिबल। आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको सेशन अच्छा लगा है
तो जितने कैंडिडेट्स यहाँ पे देख रहे हैं वो प्लीज़, अगर यहाँ पे 180 कैंडिडेट्स देख रहे हैं तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि 180 कैंडिडेट्स अप्रॉक्सीमेटली वीडियो को तो लाइक करके जाएं अगर उनको कंटेंट अच्छा लगा। देखिए डिसलाइक करने वाले बहुत हैं, अगर आप लोग हमें मोटिवेट करोगे तभी, जिस तरह से आप लोग कहते हो ना मैम ये करवाओ ये नहीं करवाना है, इस तरह से करवाओ, कंप्यूटर का करवाओ, पहले पूरा थंबनेल देख लीजिए, बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शंस होती है। ठीक है, तो अगर जितने भी कैंडिडेट्स हैं देखते हैं कितनी जल्दी जो है इस वीडियो को लाइक करते हैं, डिसलाइक करने वाले हमें बहुत मिलेंगे। और मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा डिसलाइक वीडियोस में जो करते हैं वो, अगर वो भी कुछ नया सीखेंगे तो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होंगे। किसी के साथ कंपीट करना है तो कंपटीशन होना चाहिए, पर कंपटीशन का ये मतलब नहीं होता कि आप लोग आओ किसी की वीडियोस पे उन्होंने जितनी भी कोई भी वीडियो बनाता है तो आप वहाँ पे जाकर डिसलाइक। तो आप पहले देखो आप कितनी मेहनत करते हो, तो जब आपके साथ ऐसा होता है तो फिर कैसा लगता। ठीक है, जी नहीं मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं है ये कोर्स, बट ये है कि आप इस कोर्स को ले लीजिए जो आपके 1500 MCQs हैं हिंदी में, इसमें सीधे आपको कंप्यूटर के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना, अभी मिलते हैं हम कंप्यूटर की क्लास में जिसमें हम करेंगे मेमोरी, और किसी को कोई डाउट होगा तो जल्दी मैं वो क्लास शुरू करने जा रही हूँ तो उसमें डाउट्स पूछ लेना। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, आफ्टर 2-3 मिनट्स। ठीक है, टिल देन बाय, टेक केयर।